नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल भारतीय करेंसी पर। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापत। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है 2 रुपए के क्रॉस वाले कॉइन जिनमें मिलती है म्यूल वैरायटी। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये कॉइन 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए में जारी किए गए हैं क्रॉस कॉइन। 1 रुपए के जो कॉइन है वो 2004, 5 और 6 में जारी किए गए थे। 2 रुपए के जो कॉइन है वो 2005, 6 और 7 में जारी किए गए थे। 5 रुपए का जो कॉइन है वो सिर्फ 2007 में जारी हुआ था और 10 रुपए का जो कॉइन है वो 2005, 2006 और 2007 में जारी किया गया था। लेकिन हम जो कवर करने वाले हैं वो 2 रुपए का कॉइन को कवर करेंगे। 2 रुपए का एक क्रॉस कॉइन, इसमें मिलती है एक म्यूल वैरायटी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। म्यूल कॉइन बनते हैं किसी गलती की वजह से। एक डाई दूसरे सिक्के में यूज कर ली जाती है किसी गलती के कारण, मतलब दो डाई अलग अलग सिक्कों की, और डाई किसी और की सिक्के की और रिवर्स डाई किसी और सिक्के की, इस गलती से म्यूल कॉइन बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2007 में जारी किया गया है ये 2 रुपए के कलकत्ता मिंट के सिक्के में। इस 2005 के सिक्के की डाई को यूज कर लिया गया था 2007 में कलकत्ता मिंट में इस सिक्के में, जिस वजह से ये सिक्का म्यूल कॉइन बन गया था। इसमें देखने को डिफरेंस मिलता है, 2007 में ये कॉइन जो म्यूल कॉइन है इसमें स्मॉल डेट है और क्रॉस बड़ा है। और 2005 में लार्ज बड़ी डेट है जबकि क्रॉस छोटा है। किसी गलती के कारण 2005 के सिक्के की डाई 2007 में यूज कर ली गई थी कलकत्ता मिंट द्वारा, जिस वजह से ये कॉइन म्यूल कॉइन बन गए थे। और किसी गलती के कारण किसी सिक्के में कोई गलती हो जाती है तो वो सिक्का रेयर हो जाता है। इस कारण ये सिक्के भी रेयर हैं, 2007 का कलकत्ता मिंट का। जिसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस UNC कंडीशन में 200 रुपये तक दिला सकती है, जबकि 50 रुपये से 200 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।